नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयुष्मान कार्ड के न्यू लिस्ट 2024 के बारे में। अगर आप लोग भी अपना आयुष्मान कार्ड का न्यू लिस्ट 2024 में अपना नाम देखना चाहते हैं, अगर आप यहाँ पर एक नया राशन कार्ड बना है तब पर भी आपका नाम यहाँ पर लिस्ट में शो करेगा, क्योंकि यहाँ पर आयुष्मान कार्ड का जो न्यू लिस्ट 2024 का आया उसमें जो भी यहाँ पर नया राशन कार्ड बना है उन सभी का लिस्ट में नाम शो करना शुरू हो चुका है। तो आपको हम इस वीडियो में लाइव प्रोसेस आपको दिखाने वाले हैं। दोस्तों आप इस वीडियो को बिना स्किप के वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों मेरा नाम है दिलखुश, आप देख रहे हैं ऑनलाइन दिलखुश यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगम जो बेल आइकन है उसे यहाँ पर ऑल प्रेस कर दे ताकि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए दोस्तों इस कमाल वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों 2024 का आयुष्मान लिस्ट में नाम चेक करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले बेनिफिशियरी पोर्टल पे आ जाना। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से क्लिक करके डायरेक्ट आप इस पोर्टल पे आ सकते हैं। आने के बाद आपको यहाँ पर लॉग इन एज में दो ऑप्शन शो करता है, बेनिफिशियरी और ऑपरेटर। आपको इसमें से कोई एक यहाँ पर लॉग इन कर लेना है। जैसे हम बेनिफिशियरी सेलेक्ट करते हैं फिर आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देना। चलिए यहाँ पर मोबाइल नंबर यहाँ पर हम फिलअप कर देते हैं। फिलअप करने बाद आपको वेरीफाई करना है, वेरीफाई क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड कर दिया जाता है। तो जैसे आप मोबाइल नंबर डाल के वेरीफाई करते हैं तो मोबाइल पर एक ओटीपी सेंड कर दिया जाता है। आपको उस ओटीपी को यहाँ पे फिलअप कीजिएगा, फिर नीचे जो कैप्चा शो कर रहा है उस कैप्चा को यहाँ पे फिलअप करके लॉग इन पे क्लिक कीजिएगा। लॉग इन पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से आपका लॉग इन पेज ओपन हो जाता है, आपका लॉग इन हो जाता है। लॉग इन होने के बाद अब आपको क्या करना है, पर स्कीम में आपको पीएमजेएसवाई सेलेक्ट रहने देना है। फिर आपको स्टेट पे आकर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे आप स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं आपको सब स्कीम में आपको पीएमजेएसवाई सेलेक्ट रहने देना है आपको। फिर आपको डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करके आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर देखते हम यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिए। फिर आपको यहाँ पर सर्च बार पे क्लिक करके आपको फैमिली आईडी सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको अपना राशन नंबर यहाँ पर डालना है। अब हम आपको लाइव दिखाते हैं, हम आपको जो नया राशन कार्ड बना है उसका आपको यहाँ पर हम राशन नंबर डाल के दिखाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कोई एक ब्राउज़र हम ओपन कर लिया और यहाँ पर हम टाइप कर रहे थे ईपीडीएस। ये जैसे हम यहाँ पर टाइप करके सर्च करते हैं तो फर्स्ट में शो कर देता है ईपीडीएस बिहार, हम इस वाले पे क्लिक कर देते हैं। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन शो करेगा आरसीएमएस रिपोर्ट, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। तो आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सेलेक्ट करके शो वाले पे क्लिक कीजिएगा। फिर आपका एरिया कौन है, रूलर है या अर्बन, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपको क्या करना है, आपको अपना ब्लॉक यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको अपना यहाँ से गाँव सेलेक्ट कर लीजिएगा। गाँव जैसे ही सेलेक्ट कीजिएगा तो आपका विलेज शो हो जाएगा, आपको इसी विलेज पे क्लिक कीजिएगा। विलेज पे क्लिक करने के बाद आपके विलेज में जितना भी राशन कार्ड होगा यहाँ पर शो करेगा और जितना नया बना है वो भी शो करेगा। नया देखने के लिए आपको सिर्फ आपको यहाँ पर डॉट शो करेगा, डॉट पे क्लिक करते जाना। आपका जो भी यहाँ पर लास्ट में शो करेगा वो नया राशन कार्ड ही बना रहता है। यहाँ पर देख सकते हैं हम यहाँ पर डॉट पे क्लिक करते जाते हैं, यहाँ पर हम पूरा लास्ट डॉट पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर देख हम यहाँ पर 66 नंबर पेज पे आ चुके हैं, जो लास्ट पेज है यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, पर लास्ट में जो 3288 राशन कार्ड यहाँ पर मेरा टोटल एरिया में, तो हम यहाँ पर जो लास्ट में उस पर हम क्लिक करते हैं। लास्ट पे क्लिक करें इस तरह से राशन कार्ड में जो पिक होगा यहाँ पर शो करेगा। अब जैसे पुराना वाला पे आप क्लिक करते हैं तो वहाँ पर फोटो नहीं शो करेगा, ये जो राशन कार्ड ये नया वाला है लास्ट में क्लिक किया पर जो 10/22 से शुरू है इसको हम क्या करते हैं यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर फैमिली आईडी पे आकर आपको यहाँ पर पेस्ट कीजिएगा और यहाँ पर सर्च पे क्लिक कीजिएगा। सर्च पे क्लिक करने वाले यहाँ पर देख सकते हैं राशन कार्ड यहाँ पर शो कर दिया गया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर हम नया राशन नंबर डालें तब पर भी यहाँ पर शो कर दिया गया है। अब आप क्या करते हैं, हम यहाँ पर आपको इसको बैक करके हम दूसरा यहाँ पर सेकेंड में जो राशन नंबर है इसको हम क्लिक करते हैं। इसको क्लिक करने बाद इसको यहाँ पर हम पेस्ट कॉपी करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हम कॉपी कर लिए, कॉपी करने बाद आपको यहाँ पर हम इसको यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पर हम जो पेस्ट कर देते हैं और सर्च पे क्लिक कर देते हैं। सर्च पे क्लिक करने वाले पर देखते हैं दो नाम आ चुका है। तो फ्रेंड यहाँ पर जो आयुष्मान कार्ड का जो न्यू लिस्ट है इसमें सभी जिसका भी राशन कार्ड बना है सभी का नाम जोड़ दिया गया, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो भी नया लिस्ट में जारी हुआ इसमें सभी राशन कार्ड धारियों का नाम जुड़ गया है, आप अपना राशन कार्ड से चेक कीजिएगा तब का बना हुआ होगा, आप यहाँ से बना लीजिएगा लिस्ट में नाम आ गया है। तो दोस्तों हम आपको लाइव दिखाए हैं कि आयुष्मान कार्ड का जो 2024 का न्यू लिस्ट है उसमें सभी राशन कार्ड धारी का नाम जुड़ चुका है, आप अपना आयुष्मान कार्ड यहाँ से बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।